साइड ये चला गया ताड़ला को, और ये गांव को ही कटे, ये वाले रोड गांव को ही है। हाँ जी, राम राम, जय माता दी, कैसे हैं आप सभी, स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं कहाँ पे हूँ आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। वहाँ पे हमने घास लिया है, लोगों से लिया था है। तो अभी जैसे तूड़ी चली हुई थी गाय को ना, बारिश के घास नहीं आता, तो यहाँ से हम थोड़ा सा निकाल के ले जाते थे। यहाँ पे ऐसा कुन्नू है कि वो गोल टाइप का होता है, उससे अगर थोड़ा सा निकाल दें, फिर बाकी अगर कोई चोरी चोरी कर दे तो पता नहीं लगेगा कि यहाँ से निकाल दिया है। तो ये देखिए, यहाँ पे बाड़ लगाया था पहले, जिसको निकाल रहे हैं। ये बाड़ का मतलब कांटे थे, इसकी तरफ चारों तरफ कांटे फंसा के रखे थे ताकि कोई ना निकाले। अब हमने खुद निकाल दिया है, तो अब हम इसको ना, हमें सारा निकालना पड़ेगा, और हम इसको पुराने काऊ शेड में रख देंगे, और फिर यहाँ से थोड़ा थोड़ा पार को ले जाया करेंगे, एक एक गड्डी, है ना। तो चलो ये करते हैं, लेके जाते हैं। और हनी गया है घर में ताला चाबी को उसको, और आए से बिलो नहीं खुल रहे हैं छोटो से। तो ये खान हुआ करती थी बहुत पहले, बहुत पहले के लोग इसे ले जाया करते थे, लेकिन ये चीज़ें नुकसानदायक होती हैं, मतलब अब तो नहीं कोई नहीं लेके जाता। पहले के लोग अब रेता कहाँ से लाते, बहुत सालों मेरी शादी से भी पहले की लगी हुई है खान, खान का मतलब रेता, तो अपना ही हो जाता था लोगों के यहाँ। लेकिन ये धरती के लिए चीज़ ठीक नहीं होती है, किसी के लिए भी ठीक नहीं होती, हम भी धरती के ऊपर ही रहते हैं। तो चलो फटाफट से हम ये निकाल लेते हैं, और फिर आप लोग जो है देखते रहिए क्या हम करेंगे शुरू में, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे अंदर देखो घास का कुन्नू लगा हुआ है, तो ये हमने ख़रीदा था, ये कुन्नू भी हमने ख़रीदा था लोगों से। और हमारे ना पुल्ले के हिसाब से देते हैं, तो जैसे 7-8 रुपया पुल्ला, 9 रुपया पुल्ला, जो भी है एक पुला, मतलब जैसे मुझे लगाते हैं ना, आपने देखे होने पुल्ले हम कैसे बांधते हैं, तो इसी हिसाब से देते हैं। तो 30 पुल्ले की गाड़ी 210 रुपये या 220 रुपये ऐसे पड़ती है। तो हनी वीडियो, अपनी वीडियो बना रहा था, मैंने अपना कैमरा लगाया हुआ था, पता नहीं हनी ने डाल दी होगी ये वीडियो। तो हम मैं लगा रही थी घास, हनी के पापा ने यहाँ पे पहले ना कांटे वगैरह रखे थे हमने, कि ताकि कोई और ना उठा ले घास, मतलब हो जाते हैं कि गांव में, कि गांव में क्या हर जगह की बात है कि ख़त्म हो गया किसी के तो दिखता है। वैसे किसी ने नहीं लिया यहाँ से, झूठ नहीं बोलूँगी। तो यहाँ खान होती थी बहुत पहले, मैंने दिखाई थी आपको ये खान, यहाँ रेती की खान होती थी आज, मतलब सारे गांव में जितने घर बने थे ना, उन्होंने यहाँ से बहुत सारा रेता लेके गए थे पहले के टाइम में, और मतलब तब बाहर से नहीं लाते थे रेता। तो हनी ढो रहा था, मैं और हनी के पापा बांध रहे थे, पूड़े भी गिन रहे थे हम साथ साथ में इस तरह से, और स्पीड मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट करी हुई यहाँ पे। और हाँ, मुझे एक कमेंट आया था, ठीक ठीक मैं बता दूँ आप लोगों को, कि आप दांत क्यों नहीं लगवाते, मतलब वो मुझे भी पता है हेट कमेंट है कि प्यार का कमेंट है क्या है, लेकिन देखिए भाई, मैं आपको थोड़ी सी बात बता देती हूँ यहाँ पे। बाकी घास तो बांध ही रही हूँ मैं, वो आप देख रहे हैं। देखिए क्या है ना, कि दांत हाँ लगवा सकती हूँ, उसमें क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है, और सोचूंगी भी कभी लगवाने का। लेकिन क्या है ना, मुझे उसका अड़ा लगता है, अड़े का मतलब कि जो ओरिजिनल चीज़ होती है ना वो कुछ और ही होती है, जो डुप्लीकेट चीज़ हम लगवाते हैं ना वो मतलब बगुलों के नहीं, हंसों के बीच में बगुलों जैसा हिसाब हो जाता है, कुछ और जैसी लगती है। और दूसरी बात, फिक्स करवा लगवाऊँगी मैं, हम पहले ऐसे ही लगवाते थे, तो फिक्स लगवाने का ये ऐसा है कि दिखती हूँ अभी ठीक है ना, जच रही हूँ ना बढ़िया लग रही हूँ ना, दांतों से क्या लेना यार भाई, काम देखिए आप, और हिमाचल के खूबसूरत नज़ारे देखिए कितने प्यारे लगते हैं, ठीक है, दांतों से आपने क्या लेना, देखिए कितने सुंदर सुंदर नज़ारे मैं आपको दिखाती हूँ, खूबसूरती ऑफ हिमाचल, ब्यूटी ऑफ हिमाचल, नेचर ऑफ, तो आप वो चीज़ें देखिए भाई। भाई है, दीदियाँ हैं मेरी बहुत सारी बेचारे, उनको बहुत वो होती है, मेरी ना फिक्र होती है, तो वो बोल देती हैं कि मैडम पहले दांत तो लगवा लीजिए, अरे दांतों को छोड़ो, मारो गोली। और ये देखिए, अब यहाँ पे कैमरा ब्लर हो रहा है भाई, शाम का कुछ नज़ारा आपको दिखा रही थी लेकिन कैमरा ब्लर हुआ जा रहा था, तो ये बात मैंने आपको बतानी थी। और लास्ट में घर के बारे में बातें की हैं, वो सुन के जाइएगा, बहुत से लोगों के सवाल थे आप पुराने घर का क्या करोगे, पुराने घर का क्या करोगे, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है वो बातें, बहुत सारी परिवार की बात है आज। तो ये देखिए, ठीक है भाई, और ये बढ़िया चीज़ें देखने को मिल जाती हैं हमको घर बैठे हुए, तो और क्या चाहिए। और शाम का ये टाइम था,
बहुत सुंदर लगती हैं ये पहाड़ियाँ, जैसे आसमान को छू रही हैं। थोड़े थोड़े बादल थे आसमान में, लालगी जैसी थी। सूर्य थोड़ी देर पहले ही छिपे थे भगवान जी, और अभी हमारा घर देखो कितना सुंदर लगेगा। ये देखो, ये है हमारा पूरा घर, जो पुराना घर है ना, इसी के बारे में अभी हम बातचीत करेंगे। और जहाँ पे मैं बैठी हूँ वो छोटे जेठ जी का घर है वाली साइड को। तो ये देखिए कितना प्यारा ये घर है, और इसको कैसे हम ऐसे ये कर सकते। लेकिन बहुत जर्जर हो चुका है ना, रिपेयर बहुत होगी इसकी। दरवाजे टूट, एक दो दरवाजा भी टूट गया है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इसी घर के ऊपर। जी तो अभी दिन के बज रहे हैं 2। आज मैं जल्दी सो गई थी, कोई 12-1 बजे सो गई थी, और कल भी कल लेंटर पढ़ा, आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला, सारे कमेंट्स पढ़े मैंने, बहुत सारे सबने बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन दी थी, और बहुत खुश थे आप लोग भी मेरी तरह। उसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और एक क्वेश्चन बहुत आ रहा था, और कुछ लोगों ने कल पूछा और कुछ रोज़ पूछते हैं, कुछ दूसरे चैनल पे पूछते हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं आज ना इसका आंसर दे देती हूँ कि आप पुराने घर का क्या करोगे। ठीक है, पुराने घर का क्या करोगे। और मैंने एक दिन पीछे भी बोला था, लेकिन शायद वो वाली क्लिप लोगों ने देखी नहीं थी, क्योंकि मैंने टाइटल में नहीं लिखा था, तो वो वाला लोगों ने स्किप कर दिया होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको डिटेल से बता देती हूँ। ठीक है, और इसके लिए मैंने स्पेशल क्लिप बनाई है, और अब तो आप लोग देखोगे। तो देखिए क्या है कि ये घर भी हमारा ही है, हमारे का मतलब कि हमारे बुजुर्गों ने ये घर बनाया है। ठीक है, अब जितनी जितनी खुशी हमें उसको बनाते हुए हो रही है ना, कि हम खुद बना रहे हैं ये वो कुछ भी है, तो लेकिन मतलब इस घर को बनाते हुए भी हमारे बुजुर्गों को कितनी खुशी हुई होगी, और उस टाइम तो कितने मतलब मुश्किलता से जो है पैसे जुड़ते थे। भले हमारे ससुर नौकर थे, मतलब गवर्नमेंट जॉब करते थे, वो ESI थे, क्राइम ब्रांच में अच्छी पोस्ट पे थे, लेकिन फिर भी इतना बड़ा परिवार, और परिवार को पालना, परिवार के खर्चे बहुत होते हैं, तो कितना मुश्किल होता है ना, फिर भी उन्होंने ये घर बनाया था, और शायद सबसे पहले पड़ा था ये घर गांव में, शायद मुझे ध्यान नहीं है, का जो घर पड़ा था वो यही यही बना बना था हमारा घर। तो बहुत से लोगों को क्वेश्चन होते हैं, आप उसका क्या करोगे, वो गिर जाएगा, वो ऐसा होगा, वो वैसा होगा, तो मैंने सोचा चलो मैं आज आपको डिटेल में बता देती हूँ सब कुछ। वैसे तो क्या है कि इस घर में सब लोगों का हिस्सा है। ठीक है, जैसे हम 4 लोग हैं, 4 हैं, तो चारों का हिस्सा है। तो क्या था कि जब अगर हम घर नहीं बनाते बाई चांस, मतलब नहीं होती इतनी गुंजाइश, चलो ये हो गई भगवान की दुआ से, तो इनको हमें कुछ ना कुछ देना पड़ना था ना, जो बाकी के 3 हैं हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन देखो सब भी चाहते हैं कि कुछ ना कुछ होता ही है, सबको जरूरत होती है, इन्होंने अपने आप बनाए तो इनके भी पैसे लगे। छोटे वाले ने भी बना दिया है, और दोनों जेठ, एक तो नहीं है लेकिन एक दीदी है, और एक उन्होंने बन जेठ जी जिंदा थे जब उन्होंने घर बनाया था, तो वो जिंदा थे, लेकिन इन्होंने बनाया तो उनके पैसे लगे। तो दिखती बात है कि सबको होता है कि इस घर में कि अब हमारा भी कुछ मिले, है ना, क्योंकि उन्होंने अपने पैसे लगाए हैं भाई, और बाबा ने भी कुछ हेल्प करी होगी थोड़ी बहुत, सबकी करी थी। जब हमने ऊपर बनाया था, ये जो ऊपर वाला घर बनाया था ना हमने, ऊपर जो रसोई और वो है साथ में, कमरा अटैच उसके साथ, तो उस टाइम भी 4-4.5 लाख का पड़ा था। ऊपर कैरिज बहुत है ना हमारे यहाँ, घर बड़ा बड़ा नहीं है तो छोटा सा ही है जो ऊपर बनाया है जिसमें हम रहते हैं। अब ये तो मैं निचले रूम में हूँ, अभी निचले कमरों में हूँ मैं, जिस दिन की मैंने पीछे रिपेयर रेनोवेशन करवाई थी वहाँ पे हूँ, तो वहाँ पे जैसे 4.5 या 5 लाख का खर्चा आया था। तो बाबा ने, बाबा बोलते हैं ससुर को, तो हमारे पिताजी ने भी जो है हमारे को 1,05,000 तो हमें दिया है, और उनको कितना दिया है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इतना दिया है, 1,05,000 उन्होंने दिया था हमें, बाकी का जो था वो फिर हमने कहीं से लोन लिया, कहीं से कुछ लिया, वो उस तरह से फिर हमने बनाया। तो ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, आगे 2 बेटे हैं, चलो भाई उनको उनके काम आ जाएगा, नहीं उन्होंने उनको चाहिए होगा, या आगे परिवार बढ़ते ही हैं। अब पार इतना बड़ा घर नहीं है जितना वो दिख रहा है ना, वो इतना बड़ा नहीं है, वहाँ तो काउ शेड भी है और इतना खुला एरिया भी नहीं है, तो हम इस घर को
छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं, अभी हमें यहीं पे हैं और वहाँ भी पता नहीं कब तैयार होगा, है ना। और इसकी जो बात है सबसे बड़ी, अभी पारम का पार तो काम स्टॉप हो जाएगा ठीक है कुछ दिनों बाद, लेकिन इसकी जो है ना छतें, ये देखो पहले कैसी थी छत और अब देखो कैसी है ना, लेकिन ये फिर से वैसी हो जाएगी क्योंकि ऊपर जो लेंटर है उस पर पानी वो ख़राब होने लग गया है, वो रिपेयर मांग रहा है लेंटर हमारा। तो अभी हम वो थोड़ा सा चाहे रोक के इस लेंटर का करवा लेंगे, नहीं तो हमारे ये कमरे फिर सारे का ही होगा, परे भी है जिनके कमरे भी उनके उनके कमरों की भी रिपेयर हो जाएगी ठीक है। एक अरमान होते हैं बुजुर्गों की इच्छाएं होती है और आशीर्वाद होते हैं घर में, बहुत प्यार से वो बनाते हैं वो चीज़। तो हम इसका छत की रिपेयर करके रखेंगे इसको साफ सफाई, अभी तो हम यही है, अभी तो इतनी जल्दी ये जो आप देख रहे हैं आप ये हो गया, लेकिन आगे भी अभी बहुत ज़्यादा काम है, तैयार होते होते बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी हम यहीं पे और बाद में अगर हम चले भी जाते हैं पार तो भी हम यहाँ पे आया करेंगे, जब हम जहाँ हमारा मन किया करेगा, पार मन करा तो पार रहे, यहाँ मन करा तो यहाँ रहे, जहाँ भी मन करा ठीक है। इतना अच्छा सामान और एक एक चीज़ आप लोगों को पता है मैंने किस तरह से यहाँ पे जोड़ी है एक एक चीज़। तो दो कमरे हमारे पास ये हैं और एक वहाँ पे परली साइड भी एक वो स्टोर रूम बना है और एक पूजा का कमरा है और एक कमरा ऊपर है, रसोई ऊपर है, बाकी जो इनके हैं औरों के भी ये जो भी है तो इनके भी अपने अपने बन चुके हैं, तो हम इनका करवा देंगे, रिपेयर वगैरह का छोड़ देंगे, जिनको लेना होगा वो ले, जिनको नहीं लेना होगा वो भी रहने दे, क्योंकि रिपेयर तो घर मांगता है ना, कब्जा करने से तो कुछ होता नहीं कि हमारा हो गया ये हमारा है हमारा है, और रिपेयर ना करवाएं तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का ना। हम भी इन कमरों के ऊपर करते थे कि हमारे हमारे खुद ही हमारे, लेकिन रिपेयर नहीं हो पाती थी, इतने पैसे नहीं होते थे, तो फिर ये लग गए थे गिरने। कब्जा करने से कुछ नहीं होता, रिपेयर करनी पड़ती है घर की, तो हम इसकी रिपेयर करवाएंगे अच्छी तरह से, क्योंकि हमारे पापा हमारे ससुर ने ना बहुत ईमानदार थे वो, और बहुत ईमानदारी की कमाई जो उनकी इस घर में लगी है, और इसको हम बहुत ही प्यार से रखेंगे हमेशा अच्छी तरह से, इसको चारों तरफ से इसकी गलियां साफ़ सुथरी करके अभी करेंगे तो उस तरह से रखेंगे इसको। लेकिन हमारा पहले बैलेंस नहीं होता था और अभी भी हमने पार बहुत ज़्यादा लगा दिया जो भी था, लेकिन आगे आगे हम काम कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारे पास होते जाएंगे हम यहाँ इन कमरों की तो करें, लेंटर का बहुत ज़रूरी है। अब छत डालनी थी मैंने, हमने टीन की, लेकिन उसका बहुत पैसे मांगे, जो ऊपर टीन पड़ेगी ना उसके बहुत पैसे मांगे, इससे बेटर है कि हम इसके ऊपर कुछ टाइल्स वगैरह या कुछ भी छत के ऊपर बिछा दें, फिर हमारे सारे घर के कमरे सेफ हो जाएंगे। इस घर में 8 कमरे और एक किचन है, सबकी हैं, जो जो भी है देवर देवरानी रहते हैं उनके हैं, चाहे जो नहीं रहते उनके, चाहे हमारे हम रहते हैं, लेकिन 8 कमरे टोटल, ऊपर वाले अलग हैं, जो हमने बनाए वो ऊपर वाले अलग हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने दो बार बोल दिया है, अब आप लोगों का जो क्वेश्चन था वो आपको आंसर मिल गया होगा, आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। ये घर वैसे तो असली घर कोई और ही होते हैं, ये तो हम बस कब्जा करके बैठते हैं, हमारा है हमारा है, हमारा घर घर तो कहीं और है, सभी लोगों का कोई और है, ये सिर्फ यहाँ पे जब तक मेहमान बन के आए हैं तब तक रुकेंगे हम यहाँ पे, लेकिन अपनी कमाई से बनाते, जब तक जिंदा है तब तक, जब तक सांसें हैं तब तक यहीं पर रहना है, और तो फिर जब आस है अब ऐसे कहाँ बैठ जाए मरने की, बस हमारा तो है नहीं घर जी, हम तो वहीं जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता। हम लोग कर्मयोगी हैं और गृहस्थी जो है हमारी कर्म भूमि है, ये संसार हमारी कर्म भूमि है, तो हमें काम करते हुए और जो जो हमें आदेश मिलते हैं भगवान के उनको करते हुए ये घर भी बनाने हैं, प्यार घर वालों से प्यार भी करना है, और घर के मोह में भी हम फंसते हैं वो भी ज़रूरी है क्योंकि हम प्राणी हैं भैया से हैं। चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा होगी लेक्चरबाजी, अब तो मैं साधु संन्यासी के ऊपर उतर मतलब बनने लगी हूँ, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके बताइएगा, कुछ गलत बोल गई होंगी तो माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से भी। और ये थी इस घर की स्टोरी, तो ठीक है, जय माता दी, राम राम, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, और एक बात लास्ट में जाते जाते बोलूँगी, छोटी सी जिंदगी है, इसको नाराज़गी में मत खोइए, इसको लड़ाई झगड़े में मत खोइए, पता नहीं कब ऊपर से बुलावा जाए, प्यार से रह लीजिए, और अगर किसी के साथ है भी लड़ाई झगड़ा वो बात नहीं कर रहा है, आप शुरुआत कर दीजिए, कुछ नहीं बिगड़ता है, ना कुछ यहाँ से लेके जाना है, ना यहाँ पे कुछ लेके आए हैं, और बस थोड़े दिन है, प्यार से रह लीजिए। जय माता दी, राम राम, भगवान आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और आपको हमेशा खुश रखें। मक्खी परेशान कर रही है बार बार, ठीक है, और मुझे जाना है अभी ऊपर, मुझे जाके चाय पीनी है, बर्तन धोने हैं, और फिर मुझे घास को निकलना है। जय माता दी।